हाय फ्रेंड, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आए हाँ नमस्ते। हम और हमारे भैया देखो घूमने जा रहे हैं, हाँ पार्क में आए हैं। और यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा सा, सुबह शाम वाला। ये देखो अथर सिंह जैकेट पहन के आए हैं। हाँ यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गया है और बारिश हो रही थी एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया बारिश होते हुए, तो हम लोग इतना बाहर नहीं आ पाते थे। तो अथर आप जिद कर रहे थे बाहर आने के लिए सुबह सुबह, तो हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं पार्क में घूमी करने। और ये अथर सिंह को लेके जा रहे हैं, अथर सिंह जा रहे हैं दूसरे वाले अपार्टमेंट में। दोनों बॉय हैं, क्यों लग रहे हैं कि टीचर हैं, साथ में घुमा रही हैं। देखो एक टीचर है, फोटो ले रही है ना बेबी की, दोनों फोटो। हाँ कहाँ जा रहे हो लल्ली? बेबी झूला झूला रहे होते हैं। हमारे भाई बहुत क्यूट बेबी है, आराम से झूलाओ। वो डर रहा है बाबू, क्या सबको देख रहा है, खेल रहा है, खेल रहे हैं। देखो कैसे बुला रहा बेचारा, इपुदा देख रहे हो? अरे अम्मा अम्मा बेबी। वह हम लोग घूमने आ गए हैं यहाँ पे। हमने ट्विंस को देखा, दो ट्विंस थे और दोनों नमजा थे, मतलब दोनों लड़के थे। मैंने उससे पूछा तो उसकी टीचर लेके आई थी घुमाने। यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्विंस दिख जाएंगे, तो मुझे लगा कि यहाँ साउथ कोरिया में नेचुरली ही इतने सारे ट्विंस होते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये लोग करवाते हैं। तो फिर मेरी एक फ्रेंड है कोरियन, उसने बताया कि ऐसा यहाँ पर नहीं होता है कि ट्विंस ही होते हैं। क्या करते हैं ये लोग, लेट शादी करते हैं, मतलब इनका 30-32 साल कॉमन है शादी की डेट। फिर 2-4 साल बच्चे नहीं करेंगे अगर कोई कोई, तो 35-40 के हो जाते हैं, फिर इन्हें बच्चे नहीं होते हैं बहुत लोगों को। तो ये लोग क्या करते हैं, वो बोल रही थी ऐसे कि दे गो टू डॉक्टर एंड मेड अ बेबी, मतलब इन लोग को कम इंग्लिश आती है। तो वो ये बता रही थी कि जो है, क्योंकि ये लोग वर्किंग होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो सोचते हैं एक बार में नहीं पड़ जाए, तो ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ प्रोसेस होता होगा, मुझे इतना डिटेल नहीं पता, बट हाँ क्या करते हैं ये लोग, ट्विंस बेबी करवाते हैं। तो आप मोस्टली देखोगे, मतलब 10 कोरियन में, क्या मुझे तो लगता है 5-6 कोरियन में एक कोरियन तो ट्विंस करवाते ही हैं, मतलब 5 में तो एक करवाते ही होंगे। तो आपको बहुत सारे ट्विंस देखने को मिल जाएंगे, ये लोग एक साथ बच्चा करके अपना निपट जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या करते हैं कि ट्विंस कर लेंगे और एक साथ निपट जाते हैं, क्योंकि दोनों लोग वर्किंग होते हैं और फिर अपना जो भी लीव वगैरह लेके 1 साल 6 महीने उसके बाद जॉब स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है कि कोरियन गवर्नमेंट जो है 6 हफ्तों के लिए नैनी, क्या बोलेंगे अपने यहाँ जो रहती है, यहाँ कुछ और बोलते हैं, वो प्रोवाइड करवाती है, मतलब 6 हफ्ते के लिए वो आएगी और आपके घर का सारा काम करेगी। एक लेडीज रहती है, सुबह 9 बजे आती है, 6 बजे जाती है और वो आपके घर का सारा काम करती है, लाइक आपके बच्चे का सारा काम करेगी, लॉन्ड्री वगैरह और बच्चे को देखना। और क्या करते हैं हमारे बहुत सारे कोरियन फ्रेंड हैं, तो देखते हैं वो अपने दूसरे बेबी को लेके आए हैं घूमने, तो मैं बोलती हूँ कि छोटा वाला कहाँ है, तो ये लोग बोलते हैं कि मतलब वो देख रही है, तो वो पूरा देखती है, मतलब आप उसके सारे बच्चे को छोड़ के कहीं जा भी सकते हो, मतलब पूरा खाने का बच्चे का देखेगी, दूध पिलाना सुलाना, मतलब 9 से 6 तक आप फ्री हो, सिर्फ फीड करना है। और बहुत सारे लोग फीड भी नहीं करते यहाँ पे, क्या करते हैं पंप करके अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल लेंगे और बेबी को अपना बॉटल से पिलाते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोग वर्किंग होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो है जॉब स्टार्ट कर देते हैं जल्दी। तो यहाँ के जो डे केयर होते हैं छोटे बच्चों के, मतलब 4 साल तक के, वहाँ पे 15 दिन का आपका बच्चा है उसके बाद से बेबी लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट 15 दिन का तो मैंने नहीं देखा कि लोग देते हैं, अथर करते हैं कि बहुत जल्दी बच्चा दे देते हैं, लाइक 4-5 महीने में ही दे देते हैं, इससे जल्दी भी दे देते हैं। 15 दिन का तो मैंने नहीं देखा है बट ये है कि हाँ 15 दिन के बाद से बच्चा ले, मतलब
लेने लगते हैं जो टेक केयर वाले होते हैं। आती है कि जो लोग ट्विंस नहीं करवाते हैं, मान लीजिए बहुत लोग ट्विंस करवाते हैं, बहुत नहीं करवाते हैं, बट क्या करते हैं जो लोग ट्विंस नहीं करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बच्चा करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों में गैप नहीं रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं 3 साल का गैप होना चाहिए, बट इन लोग का ये कल्चर मुझे अच्छा लगा। क्या करते हैं कि जैसे एक बच्चा हो गया, फिर एक बच्चा 1.5 साल का हो जाएगा तो दूसरा बच्चा प्लान करते हैं, फिर दूसरा बच्चा 2.5 साल का होगा, 2 साल लाइक 2 साल 2.5 साल का होगा तब तक दूसरा बच्चा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि दोनों बच्चों में 2 साल का गैप रहता है, 2-2.5 साल का गैप रहेगा, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है दोनों बच्चे साथ में बड़े हो जाते हैं जैसा कि ये लोग बताते हैं, और बताते नहीं वैसे भी, देखिए दोनों साथ में बड़े हो जाते हैं और इन लोग को छुट्टी भी मतलब जल्दी जल्दी ले लेते हैं क्योंकि एज भी हो चुकी होती है। तो यहाँ पे ये वाला कल्चर बहुत ज़्यादा है कि जिसके एक बच्चा है ठीक है, जिसको 2 बच्चा करना है वो 2 साल के अंदर बच्चा दूसरा कर लेता है, 2-2.5 साल के अंदर। उसके बाद भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं क्योंकि हमें कोरिया में आए हुए 3 साल हो गए हैं, हाँ 3 साल हो गए, 4th साल लग गया, और अथर्व हैं स्टार्टिंग से मेरा बेबी हो गया था, तो हमारे बहुत सारे कोरियन फ्रेंड हैं, ऐसे बच्चे वाले सारे कोरियन फ्रेंड हैं, और जितने भी हैं सारे बच्चे वाले हैं, लाइक अथर्व जितने बच्चे हैं सबके 2-2.5-3 साल के, तो वही लोग बताते हैं, मतलब मिलते हैं, पार्क डेली जाते हैं सुबह शाम, तो मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, हम मतलब सबको इंटरेस्ट होता है दूसरे के कल्चर जानने में, तो वो लोग हमसे पूछते हैं, हम भी कुछ ना कुछ पूछते हैं, तो हाँ इन लोग से ऐसे ही पता चलता है कि हाँ यहाँ कैसा कल्चर है, ऐसे लोग करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग शादी नहीं करना चाहते, बहुत सारे कोरियन शादी नहीं करना चाहते हैं, मतलब बात करो तो ऐसे पता चलता है, और वैसे भी लोग बोलते हैं कि बहुत सारे कोरियन शादी नहीं करना चाहते यहाँ पे, और बहुत लोग शादी भी कर लेते हैं फिर वो बाद में बेबी नहीं चाहते हैं। मतलब आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय फ्रेंड्स।